बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम प्योर पाव भाजी मसाला। इसका कलर और टेक्सचर किसी एवरेस्ट या एमडीएस पाव भाजी मसाले से कम नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं स्मृति। आज मैं होममेड पाव भाजी मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। कैसे आप घर में बिल्कुल बाजार वालों के जैसे पाव भाजी मसाला बना सकते हैं जो वो अपने पाव भाजी में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी दुकानों पर लगती है लंबी लंबी लाइनें और वो बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। जब आप अपनी पाव भाजी इस मसाले से बनाएंगे तो भाजी को चाटते ही रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है घर पे पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन रखा है, तो पैन गर्म होते ही हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून जीरा लिया है, साबुत जीरा। साथ ही मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून सौंफ लिया है, फेनल सीड्स, और 3 टेबलस्पून ही मैंने साबुत धनिया लिया है। और साथ ही मैं यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ली है, ये भी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिया है। तो इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। इसको लो फ्लेम पे करके आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। बस इन मसालों की जो है नमी चली जानी चाहिए और इसमें हल्का सा धुआं आने लगे, खुशबू सी आने लगेगी। तो देखिए, 2 से 3 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हल्का हल्का धुआं उठने लगा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें से। तो हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और इन मसालों को हम अलग से एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अब हम वापस से इसमें कुछ और सूखे मसाले ऐड करेंगे और भून लेंगे। तो ये मैंने 10 ग्राम ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च करीब 1 टीस्पून, और ये मैंने 5 से 6 तेज पत्ते लिए हैं, तो इसको अब हम तोड़ के डाल देंगे। साथ ही में ये मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, करीब 10 से 12 लिए हैं मैंने, तो इसकी हम डंडिया के साथ ही इसको डालेंगे और इसको रोस्ट करेंगे। नहीं तो अगर आप डंडिया तोड़ के डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये आँखों में जलती हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे 5-6 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, तो इस तरह से आप भी दालचीनी के 5-6 टुकड़े ले लें। और ये मैंने 5 से 6 बड़ी इलायची ली है। साथ ही मैंने यहाँ पे 10 से 12 लौंग लिए हैं, और ये मैंने नटमेग लिया है, जायफल, तो ये एक जायफल डाला है मैंने इसमें। अब इन मसालों को भी हमें रोस्ट कर लेना है, तो इन मसालों को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। तो ये जो मैं पाव भाजी मसाला पाउडर बता रही हूँ आपको आज, तो ये आप बाकी कई रेसिपीज में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये पाव भाजी मसाला अगर आप घर पे ऐसे बनाते हैं तो बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है, और घर में बने मसालों का जो नेचुरल फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से आप भी सूखे मसाले होलसेल की दुकानों से ला सकते हैं और घर में ही मसाले तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है और इसमें से भी धुआं उठने लगा है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये मसाले भी हमारे भुन के तैयार हैं। ये भुने हुए मसालों को भी हम प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे और सारे मसालों को हम ठंडा कर लेंगे पहले। तो 5 मिनट मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। देखिए, मसाले जो है ठंडे हो गए हैं। अब जो ये मिर्चियाँ हमने साबुत डाली थी, लाल मिर्चियाँ, इनके हम इसे डंठल तोड़ लेंगे। तो आप घर में जब भी मिर्चियों को भुने तो ऐसे मिर्चियों के डंठल के साथ ही भुने और बाद में ठंडा होने के बाद इसे तोड़ लें। इससे ये आँखों में जलेगी भी नहीं और आपको खांसी भी नहीं होगी। तो ये मैंने सारे मिर्चियों के डंठल तोड़ लिए हैं। हम इसमें पाउडर्ड मसाले यूज़ करेंगे। तो ये मैंने 2 टीस्पून आमचूर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। तो ये सारे मसाले पाव भाजी में डलते हैं। साथ ही में 1/4 टीस्पून मैंने ये सिट्रिक एसिड लिया है। ये फिटकरी नहीं होता है, ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। ये आपको किसी भी किराने की दुकान पे या फिर अमेजोन में आसानी से मिल जाएगा। ये नींबू का सख्त कहा जाता है इसे। इससे क्या होता है, मसाले जो हैं आपके जल्दी ख़राब नहीं होते, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अगर इसे आप अपने सारे मसालों में डालते हैं तो इसे फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही में हम इसमें 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे, ड्राई जिंजर पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है पिसा हुआ, इसको भी हम डाल लेंगे। तो मसाले यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, जितनी मिर्ची आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने 2 टीस्पून त्रिफला पाउडर लिया है। त्रिफला पाउडर इसमें बहुत ही मेन इन्ग्रीडियंट होता है। ये सारे पाव भाजी मसाले वाले त्रिफला पाउडर जरूर डालते हैं, इसमें आंवला होता है। तो ये हमारा त्रिफला पाउडर मेन इंग्रेडिएंट है पाव भाजी मसाले के लिए। ये त्रिफला पाउडर भी आपको किसी भी किराने की दुकान पे या फिर केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा। तो ये त्रिफला पाउडर और सिट्रिक एसिड आप डालना ना भूलें पाव भाजी मसाला अगर आप घर पर बना रहे हों।
जो टेस्ट और फ्लेवर है पाव भाजी का वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है त्रिफला पाउडर और सिट्रिक एसिड डालने से। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे, तो ये मैंने 1 टीस्पून काला नमक लिया है, साथ ही में 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे चीनी लिया है। तो चीनी हम पाव भाजी मसाले के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डालते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सफ़ेद नमक लिया है, रेगुलर सॉल्ट जो हम खाते हैं। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। तो इन मसालों को अब हमें ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा इसको महीन नहीं पीसना है, आपको हल्का इसको दरदरा ही पीसना है। तो अब हम इस पाव भाजी मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक मिक्सी के जार में आप इसको डाल लें। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने मसाले को पीस लिया है, और इस तरह से आपको हल्का इसको दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा एकदम महीन ना पीसे आप इसे। तो ये पाव भाजी मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है, क्योंकि इस पाव भाजी मसाले का मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। तो ये बाकी बचे मसालों को भी मैं ग्राइंड करके रेडी कर लूँगी। पाव भाजी मसाला बनके तैयार है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पे एकदम प्योर हाइजेनिक पाव भाजी मसाला जरूर बनाएं। घर में बने इस पाव भाजी मसाले को आप 3 से 4 महीने या 6 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, हमेशा मसालों को मॉइस्चर से बचा के रखें, हमेशा इसे किसी ड्राई जगह पे रखें, और जब भी स्टोर करें एयर टाइट जार में ही रखें। साथ में मसालों के डब्बों में कभी भी स्पून ना रखें, इससे आपके मसाले फ्रेश रहेंगे, लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पाव भाजी मसाले की रेसिपी, आपको गारंटीड मार्केट वालों के जैसा टेस्ट आएगा। पाव भाजी मसाले की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे पेज इंडिया का तड़का पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।